छापने का काम कर रहे हैं। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा काम हो रहा है। और आज हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सिल्ली में मंथन मिलन समारोह था, कई कार्यक्रम था, सारे कार्यक्रम को छोड़ करके हम जो है कि यहाँ गरीब आदिवासी का जो पीड़ित को, दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को देखते हुए हम आए और आकर के ऑन द स्पॉट एट द प्रेजेंट टाइम हम लोग ने समाधान करने का काम किया है और आगे भी झारखंडी भाषा खतियान। दीवार टूटने के बाद देख सकते हैं ये जो दृश्य है, परिवार पूरे लोग यहाँ पे मौजूद है, सारे जो फैमिली के लोग हैं बातचीत करेंगे, नेताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसा क्या लग रहा है माहौल, क्योंकि आपका रास्ता अभी खुल गया? ऐसा लग रहा है कि हम लोग बंदी गृह में थे, वो हम लोग आजाद हो गए और हम लोग धन्यवाद देते हैं ये मीडिया प्रभारी आपको भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ के बी एस एस जेबी के एस एस के जितने पदाधिकारी गण है, वीरेंद्र, देवेंद्र और फलेंद्र, सबों को धन्यवाद। और एक पार्टी से आए हुए हैं अमरनाथ, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों का हिम्मत बढ़ा और हम लोग इस समय हम लोग अपने जो पुराने गेट को हम लोग खोल पाए हैं, इनकी मदद से हम आदिवासी झारखंडी जो इस स्थान में पले बढ़े हैं इस समय स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। सबों को धन्यवाद। कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो है सो दीवाल आपका टूट गया, अभी बंद था, पानी आने में लाने में मुश्किल हो रहा होगा, सामान लाने में मुश्किल हो रहा होगा, सब्जी लाने में मुश्किल हो रहा होगा, ये रास्ता बंद हुआ, अभी खुला, कैसा महसूस हो रहा है? अभी पुराना गेट जो हमारा खुला वो बहुत ही शुभकामनाएं भी देंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा अभी सब कंपाउंड का गेट खुल गया। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ देवेंद्र भाई, देवेंद्र नाथ जी को और फलेंद्र जी को और जेबी केसेस को मैं धन्यवाद देती हूँ और अमरनाथ महतो जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, पूरे पार्टी को मैं धन्यवाद देती हूँ जो आज हम लोग के साथ में वो खड़े हुए कंधे से कंधे मिलाए और आज ये बंद गेट को उन्होंने खुलवाया, इसके लिए मैं इन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ हृदय से। चलिए क्या क्या कुछ बोलिएगा चाची, क्योंकि आप लोग का गेट बंद था। हम लोग को जब गेट बंद था ना तो हम लोग को बहुत मुश्किल होता था, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, हम लोग कितना घूम के जाना पड़ता था, आज हम लोग के लिए गेट खुल गया, हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं हम लोग कि आप लोग आए और हम सबों के साथ में खड़ा होके हम लोग से बातचीत किए और हम लोग के लिए द्वार खोल दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देवेंद्र नाथ जी मौजूद है, क्या कुछ बोलिएगा, कितना इन लोग का गेट जो है सो खोल दिया आप लोग, क्या कुछ आप लोग को डर नहीं लगता है माफिया ऑफिस? देखिए जो हम भाषणों में बोलते हैं वो मेरा दिल का बात होता है और वो कथनी और करनी में मतलब कि कतई अंतर नहीं, एकदम बराबर। जैसे ही संज्ञान में आया हम लोग सभी से मिले और बातों से जब पता चला कि इन लोग को रास्ता भी बंद कर दिया गया है, इन लोग का पानी भी बंद कर दिया गया है, इन लोग खतियानधारी हैं, तो हमने ये तो बहुत बड़ा गैरकानूनी काम है, कौन ऐसा ताकत है जो किसी गरीब खतियान आदिवासियों का जो है कि उसका रास्ता बंद कर देना, उसका दीवार को हटा करके वहाँ बाउंड्री लगा देना, उसको पानी भी पीने के लिए बंद कर देना, इसलिए जो हम लोग का दिल करता है वो हम लोग कर दिए और आगे इस तरीके से जो भी झारखंडी आदिवासी मूलवासी के साथ ऐसा होगा तो जेबी केसेस का उदय ही इसीलिए हुआ है और हम लोग इसीलिए जिंदा ही हैं। अगर हम लोग ये नहीं कर पाए तो हमको लगता है कि हम लोग का जिंदा रहना भी व्यर्थ है और आज हमको खुशी हो रहा है। अभी हम देखिए इन लोग का पुराना गेट जो था वो पुराना गेट इन लोग को कैमरा के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि दिखा दीजिए कि ये आपका पुराना गेट पहले की तरह लग गया, जो ये लोग 1932 से पहले से जो रह रहे हैं और 100 साल पहले जो दरवाजा था जो बंद किया गया था माफियाओं के माध्यम से उसको हम लोग खोले और पुराना गेट देखिए जो यही साइज का है, पुराना गेट भी है और सेम साइज का गेट भी जो इन लोग को खोल के रख दिया गया था, हटा दिया गया था, उसको हम लोग पुनः लगवाए और हम आज कहना चाहेंगे कि आज झारखंडी को एकजुट होने की जरूरत है। आज इसके माध्यम से जब तक झारखंडी जागेंगे नहीं, हिम्मत नहीं दिखाएंगे, निडर नहीं होंगे, टूट टूट के रहेंगे, हाँ, और जो कि कोई कोई नेता मंत्री या कोई माफिया लोग जो फूट डालो का शासन राज करो शासन करो का जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कहीं देवेंद्र नाथ महतो के खिलाफ बरगलाते हैं, कभी जेबी केसेस के बारे बरगलाते हैं, कभी टाइगर जयराम जी के बारे जो है कि नेगेटिव बातें कराते हैं, फूट डालने का काम करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि इस कामों को देखिए और आप लोग एकजुट होइए। आप लोग को रास्ता को इसी तरह कैद करने के लिए आप लोग को आपस में बांटा जाता है, आप लोग का पानी को बंद करने के लिए आप लोग को बांटा जाता है और जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे तमाम झारखंड के लोग 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी, तो जब जब ये दुनिया कीमती बढ़ते जाएगा, जब जब ये दुनिया महंगी होती जाएगी और आपका जमीन का कीमत बढ़ता जाएगा, तब तक पहले आपको परेशान किया जाएगा, रास्ता बंद किया जाएगा, पानी बंद किया जाएगा और वो आपका महंगी बढ़ा हुआ जमीन, कीमती जमीन को आपको छीना जाएगा और ये जमीन का लड़ाई बिना एकजुट हुए नहीं हो सकता। ये जमीन का लड़ाई आज जो आपका बिरसा मुंडा से जो शुरू भगवान बिरसा मुंडा से जो गुलाम शुरू हुआ था और उसके परिणाम स्वरूप आज CNT Act लागू हो गया और CNT Act का जमीन
रहते हुए, आदिवासी जमीन को सारा दस्तावेज रहते हुए बाहर कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जब और महंगा हो जाएगा तो ये लोग का तो अभी आज घर उजाड़ने की बात था जिसको हम लोग रोक के, उल्टा हम लोग रास्ता खोलने का काम किए। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जेबीकेएसएस को मजबूत नहीं करेंगे, हम लोग पूरा सब कोई एक साथ नहीं आएंगे और लोगों का बहकावे में आएंगे तो आज तो घर झूड़ी झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है, जमीन छीना जा रहा है। कल अगर आपका बिल्डिंग भी बनाए हैं तो बिल्डिंग को भी जो है कि तोड़ दिया जाएगा, चाहे आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है। इन लोगों को डॉक्यूमेंट से मतलब नहीं है, इन लोगों को कागजात से मतलब नहीं, इन लोगों को पेपर से मतलब नहीं, इन लोगों को नियम कानून से मतलब नहीं है, इन लोगों को संविधान से मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि जमीन वहां कितना महंगा है, कई अरब का जमीन है, यहाँ कितना बड़ा मॉल खुलेगा और कितना बड़ा जो है कि कॉरपोरेट यहाँ से खड़ा कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को यही मॉल खोलेंगे और यहाँ के तमाम जितना आदिवासी का बाल बच्चा रहेगा इनका माताएं बहने का शोषण किया जाएगा, यहाँ झाड़ू पोछा का काम कराया जाएगा, यहाँ जितने आदिवासी को बर्तन जो है कि धुलवाने का काम किया जाएगा, नौकर नौकरानी का काम किया जाएगा और काम के बदले दाम भी नहीं दिया जाएगा। ये दिन देखने को मिलेगा अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो। इसीलिए अभी अगर कोई इस राज्य को बचा सकता है तो ओनली वन सिंगल जेबीकेएसएस। अगर फिर से इन लोगों को धमकी मिलता है और फिर से दीवाल वाल दे दिया जाता है तो क्या आगे की कदम? देखिए, इतिहास गवाह है, अपना माटी के लिए बिरसा मुंडा ने कुर्बानी दे दिया है, नीलांबर पीताम्बर सिद्धू कानू चांद भैरव सभी ने कुर्बानी दिया है और हम लोग बार बार कहते हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जयराम जी भी कि किडनी बेची है जमीन नहीं और माँ से बड़ा माटी। तो जब माँ से बड़ा हमारा माटी है, इस जमीन को किडनी को जाने देंगे लेकिन जो है कि हम लोग जो है कि जमीन को जाने नहीं देंगे तो बचा क्या? जान दे देंगे जी, यहाँ जमीन तो नहीं दे सकते हैं अभी इलीगल तरीके से, तो बिल्कुल नहीं। हम लोग पूरा कागज दस्तावेज भी देख लिए, ये लोग का संस्था एसपीजी संस्था के नाम से इन लोग का जमीन है, खतियान है, रसीद है, होल्डिंग टैक्स है, सारे है और एसपीजी संस्था इन लोग को बैठाना चाहता है लेकिन दूसरा माफिया आकर के इन लोग को अवैध तरीके से हटाना चाहता है। अरे इसके लिए सरकार है, नियम है, कानून है। अगर सरकार का जमीन है तो सरकार का नोटिस आना चाहिए, सरकार का जो है कि नोटिस आना चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई नोटिस आ रहा है ना कुछ आ रहा है। इसलिए देखिए अभी हम लोग का दूसरा गेट देखिए, सेम साइज का गेट था, बंद कर दिया गया था। ये हमको लगता है झारखंड का इतिहास में पहला ऐसा हो रहा है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले कि रास्ता जो बंद कर दिया गया था, जो कैद कर दिया गया था, इन लोगों को गेट को तोड़ करके और उस गेट को खुलवाने का काम किया है यहाँ के पीड़ित आदिवासी के लिए और देखिए सेम साइज का गेट हम लोग लगवाने का काम कर रहे हैं। ये झारखंड का इतिहास में पहली बार इतना बड़ा काम हो रहा है और आज हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सिल्ली में मंथन मिलन समारोह था, कई कार्यक्रम था, सारे कार्यक्रम को छोड़ करके हम जो है कि यहाँ गरीब आदिवासी का जो पीड़ित को दुख को तकलीफ को पीड़ा को देखते हुए हम आए और आकर के ऑन द स्पॉट एट द प्रेजेंट टाइम हम लोग ने समाधान करने का काम किया है और आगे भी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस तरीके से झारखंडी आदिवासी को कोई कैद करने का कोशिश नहीं करे, कोई पानी बंद करने का कोशिश नहीं करे और हम लोग इस तरीके से तोड़ करके अपना जो है कि क्योंकि झारखंडी आदिवासी मूलवासी है, बिरसा मुंडा सिद्धू कानू नीलांबर पीताम्बर का वंशज है, वही खून हमारे अंदर है जो निर्मल दादा बिरसा मुंडा सिद्धू कानू फूलो जानो चांद भैरव के अंदर जो खून था। अगर आदिवासी को झारखंड का कैद करने का कोशिश किया जाएगा, रास्ता को तोड़ करके बाउंड्री खड़ा करने का कोशिश किया जाएगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम तो जेबीकेएसएस के माध्यम से ऑन कैमरा कर रहे हैं कि झारखंड प्रदेश का 2400 जिला में, क्योंकि 24 जिला है और ये 2024 है, जहां कोई भी आदिवासी पीड़ित हमारे झारखंडी भाई के साथ ऐसा अगर किया गया है तो आप झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को सूचित करिए, आपका न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। आज देख लीजिए गेट लग गया, पुराना गेट कैमरा में दिखाइए, देखिए यही साइज सेम साइज था जिसको जो है कि लोग तोड़ करके, अभी कुछ देर पहले बाउंड्री था और उस बाउंड्री को जो है कि हम लोग हटा करके अपना पुराना देख के ये गेट बता, गेट देखने से लग रहा है ये कई सालों साल 100 साल पुराना गेट है और 100 साल पुराना गेट को रास्ता बंद कर दे रहे, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का उचित है। इसीलिए ऐसा गैरकानूनी काम झारखंडियों के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः मुख्यमंत्री महोदय जो आदिवासी का हमेशा मैंने कि रोना रोते हैं, हम उसी से कहेंगे कि आप आदिवासी के हित में कम से कम संज्ञान लीजिए और जांच करिए जो भी माफिया लोग ऐसा इन लोग को हिम्मत क्या रहे। हम लोग को आते समय इतना खराब लगा, बच्चे लोग रो रहे हैं, चाची लोग रो रही थी, बूढ़े लोग रो रहे हैं, आंसू बह रहा था कि हम लोग का जो है कि टेंशन से प्रेशर बढ़ गया, बीमार पड़ गए, बच्चा का स्कूल बंद हो गया, यहाँ पे अगर कोई मरता तो उसका अर्थ ही नहीं निकलता।
किसी का डेड बॉडी नहीं निकलता यहाँ से, शमशान घाट तक नहीं जा पाते, इधर उधर से जो है कि ये लोग रास्ते में जाते हैं। बताइए कोई जो डेड बॉडी को जो है कि शमशान घाट तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसा स्थिति यहाँ के आदिवासियों के साथ झारखंड की राजधानी रांची में किया जा रहा है, जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ थाना है, एसपी है, डीएसपी है, मंत्री का इतना इतना कार्यालय है, सब कुछ है उसके बावजूद। इसीलिए हम यही कहेंगे कि झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो और ये गेट लग गया, क्योंकि गेट किसी को बंद करना या गैर कानूनी काम था और हम लोग नियम कानून के तहत किसी को जो है कि आप कैद इस प्रकार नहीं कर सकते हैं। जो भी बात है, जो भी काम है, जो तो आप लीगली तरीके से आइए, आप सामने आके वार्ता करिए, ये गुंडागर्दी करके जो है कि यहाँ पे जो है कि किसी को हम लोग दमन करने, शोषण करने, अत्याचार करने, जुर्म करने नहीं देंगे और हम लोग उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे हमारे पूर्वज ने चला है और झारखंड के तमाम माटी को हम लोग बचा के रहेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद सुमित जी, अंतिम में दो सब कुछ कहिए। देखिए कहना क्या है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। जब आप सोच लीजिए कि मानवता का किस तरह से हनन हो रहा है, आप पानी बंद कर दिए, बिजली बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए, आपको बाजार जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं। अगर ठीक है जमीन आपका है या फिर कुछ यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं, किसी को दे दिए हैं, तो आप इस परिवार से, यहाँ जो रह रहा है सदियों से रहते आ रहा है, वो परिवार से आप वार्ता कीजिए किस तरह से इनको बैठाए थे आप। बैठाने से पहले भी तो वार्ता किए होंगे, अगर आप जमीन लिए तो आप वार्ता करके बैठाए होंगे कि आपको वहां पर नौकरी देंगे। हो सकता है संत पॉल स्कूल प्रबंधन बोला होगा कि आपको हम नौकरी देंगे, आप वहीं पर रहिएगा, देखरेख कीजिएगा, मेरा स्कूल प्रबंधन का देखरेख कीजिएगा, या फिर चर्च असेंबली का देखरेख इनके पूर्वज करते आ रहे होंगे। इसी उद्देश्य अपना धर्म बढ़ा लिए और जो जमीन दी है उसको आज आप हटा रहे हैं। तो मैं ऐसे घटनाओं का घोर निंदा करता हूं और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी तथ्य है, जो सच्चाई है, उसको सामने लाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। धन्यवाद, जोहार। क्या क्या कुछ बोलिएगा, रास्ता खुल गया गरीब का, रास्ता बंद था, कोई बीमार अगर यदि हो जाता तो बिना मतलब ऊपर से पार किए नहीं जा सकता है, ऐसे में इतने लोग पीड़ित थे, अब रास्ता खुल गया, क्या कुछ बोलिएगा? एकदम देखिए, हम लोग वही मकसद से आए थे, मगर कहीं ना कहीं देखिए शासन और प्रशासन एकदम मिला हुआ है यार, गरीब लोग के साथ अत्याचार कर रहा है। इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो सरकार यहाँ मिला ही हुआ है। जब सरकार शायद नियम और कानून नहीं जानता है, ये लोग खतियानी है 1932 से, जबकि कोई 12 साल से कोई जगह रह रहा है वो भी यहाँ का खतियान माने हक अधिकार का, जब तक नोटिस ना मिले सरकार का, मगर यहाँ का भूमाफिया लोग का सरकार कहीं ना कहीं लोग प्रलोभन दे रहा है और गरीब परिवार को देखते हैं कि जहाँ भी मजदूर मैंने असहाय लोग हैं वहाँ दबाने कोशिश कर रहा है सरकार। तो हम लोग अभी यहाँ से सीधे थाना जाएंगे, थाना वाला को बोलेंगे कि हाँ जो हम लोग गेट जो बंद किए थे उसको तोड़ दिए हैं हम लोग, और गेट नया लगा है, गेट अगर हटेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इन लोग का न्याय जरूर दिलाएंगे, और हम लोग हटने वाले नहीं है। जबकि से जहाँ भी पड़ता है हटने का काम कभी नहीं करता है, मर जाएंगे मगर हम लोग हटेंगे नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आप तमाम लोगों से बस निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उस लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जिनका आंख देख करके जो कहते हैं कि मूलवासी आदिवासी का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाइए, क्योंकि वो देखना चाहिए कि आदिवासी के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे दिन दहाड़े जो है सो गेट बंद कर दिया जाता है, कंपाउंड दे दिया जाता है, और उसके बाद भी किसी के ऊपर जो नोटिस चिपकाते हैं इलीगल लोग जो होते हैं उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं होता है। मैं माननीय महोदय से आग्रह भी करूंगा कि कृपया उन लोगों के ऊपर FIR किया जाए जो लोग बिना कोई तथ्य के जो है सो किसी के दीवार में आके नोटिस चिपका देते हैं और धमकी देते हैं। ये भी तो एक जुर्म है, धमकी देते हैं कि आपको जो है सो आपका घर कबाड़ देंगे, जैसे भी से उखाड़ देंगे। बस इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ना कि ये गरीब लोगों के ऊपर। दिखाइए इधर चेहरा, बस आग्रह करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।